ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे खेमे को एक और बड़ा झटका लगा है। बुधवार को ठाणे के 67 शिवसेना पार्षदों में से 66 एकनाथ शिंदे खेमे में चला गया था। अब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 55 कॉर्पोरेटर्स ने उद्धव की जगह एकनाथ शिंदे को समर्थन का ऐलान किया है। खास बात यह है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अध्यक्ष राजेश मोहे भी खुद शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में इसे उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले नवी मुंबई में शिवसेना के 32 कॉर्पोरेटरों ने एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन किया था। गुरुवार को ठाणे में शिवसेना के 67 से 66 कॉर्पोरेटर्स ने एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन किया था। महाराष्ट्र की सत्ता जाने के बाद से उद्धव ठाकरे के हाथ से एक एक करके अब निगम भी फिसलता जा रहा है। शिवसेना को 9 निगमों में से 3 पर बड़ा झटका लग चुका है। मुंबई में 9 निगम मुंबई, ठाणे, उल्लासनगर, मीरा भाईंदर, बसई विरार, पनवेल, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, निजामपुर हैं। इनमें से 3 नवी मुंबई, ठाणे और अब कल्याण डोंबिवली पूरी तरह से शिवसेना के हाथ से निकल चुकी है। तीनों निगमों के हाथ से निकलने के बाद अभी कहा जा रहा है कि शिवसेना को और भी झटके लग सकते हैं। अन्य निगमों के पार्षद भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में आ सकते हैं। हालांकि अधिकतर निगमों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जल्द ही चुनाव होने हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों को शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जाना उन्हें फायदा पहुंचाएगा या उद्धव को नुकसान? अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।